मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, दादा नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग अलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बना कर दे देता है, चीटियां आकर पड़ जाना ठीक है, भैया मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए, और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया। उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। और मान्यवर, आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग अलापते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया।